हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ .NET MVC में एजेक्स कैसे यूज़ करें, उसको यूज़ करने पे क्या क्या दिक्कत आती है। हम अभी अपने वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे और उसे कैसे रिजॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। ये अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। एक हम मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो जस्ट एक एग्जांपल ले लिया है। इस एग्जांपल के थ्रू आपको आसानी से मैं समझा पाऊँगा कि किस हिसाब से ये काम करता है और किस हिसाब से हमें कोड करना चाहिए, कैसे कोड करना चाहिए। तो आप जहाँ तक देख पा रहे हो कि ये एक मैंने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना रखा है, ठीक है। इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे एजेक्स कॉल किया हुआ है। दो गलतियाँ हम करते हैं। पहले तो जो डेटा हम सेंड करते हैं उसको, एक तो गलती वो करते हैं कि हम डेटा किस हिसाब से सेंड कर रहे हैं। मोस्टली एजेक्स तभी फेल हो जाते हैं जब हम डेटा सेंड करने का, जो हम डेटा भेज रहे हैं सर्वर को यहाँ से, उसको अगर हम गलत तरीके से भेजते हैं, जेसन फॉर्मेट में नहीं होता है, या कि वो एग्जैक्टली जेसन नहीं होता है, ठीक है, तो वो डेटा पुश होता ही नहीं है, आपका एजेक्स चलेगा ही नहीं और कोड में कोई एरर बताएगा नहीं, बस आपका एजेक्स नहीं चलेगा। उसको ना तो आप डिबग कर पाओगे ना तो सॉल्व कर पाओगे और फिर आप वहीं स्टक हो जाओ। दूसरा प्रॉब्लम आता है यूआरएल में। यूआरएल में भी यही दिक्कत आती है कि अगर यूआरएल जरा सा भी गलत हुआ तो ये उस तक पहुँचेगा ही नहीं, उस एक्शन तक पहुँचेगा ही नहीं जिस एक्शन पे इसे जाना है। तो अगर वो एक्शन तक पहुँचेगा नहीं तो ये भी नहीं चलेगा और फिर आप इसको डिबग भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली यूआरएल क्या जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको यूआरएल लिखने का, जब भी आप ये .NET MVC से जब भी आप करो एजेक्स कॉल, तो हमेशा आप ऐसे यूआरएल लिखो। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे यूआरएल कुछ ऐसा लिखा गया था। आपको बहुत से वीडियोस और ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे, लिंक्स भी मिल जाएंगे जिस पे यूआरएल कुछ इस तरह का लिखा गया है। इस तरह का ये हमारा कंट्रोलर हो जाता है और ये हमारा एक्शन हो जाता है। इसके बाद वेरिएबल को, और एक ख़ास चीज़ की मैंने जितने भी वीडियोस वगैरह देखे थे, मैं थोड़ा सा इस पर काम कर रहा था कि इससे और बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सके, लेकिन वहाँ पे मुझे ये पता चला कि आप जब आपको इस तरह से किसी गेट मेथड को चलाना है, अगर आप पोस्ट को चला रहे हो तो आपको डेटा पास कर दिया, पोस्ट लगाया चल गया, गेट के कंडीशन में आपको यूआरएल इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। आपको जो डेटा भेजना है उसको यहाँ पे लास्ट में इस तरह से किसी वेरिएबल में डिफाइन करके वहाँ से जो है उसको इस तरह से यहाँ पे शो कराते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये एग्जैक्ट बिल्कुल, मतलब इसको 100% करेक्ट मेथड नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं। कमी क्या है कि यदि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सर्वर पे, आप लोकल पे चला रहे हो, लोकल पे तो इनफ, आप इस तरह से कर दोगे चल जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट सर्वर पे किसी फोल्डर के अंदर स्टोर किया गया है, जैसे कि कोई रूट फोल्डर ना हो करके रूट फोल्डर के अंदर बना फोल्डर, उसको हम वेब एप्लीकेशन बना करके किए हुए हैं, तो जब भी वो कॉल करता है ना इसके साथ, वो उस फोल्डर के नेम को भी कॉल कर लेता है, तो क्या होगा कि जहाँ आपका ये जो यूआरएल है जो कि फोल्डर के बाद आना चाहिए,
ये आपके रूट यूआरएल के स्लैश के बाद शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा यूआरएल फेल हो गया आपका। तो जब भी आप यूआरएल लिखें वो हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखें, ये 100% वर्क करता ही करता है। ठीक है, अब आपको लेके चलते हैं कि हम किस हिसाब से, हम किस तरह से अब वो जो डेटा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं उस डेटा को हम किस तरह से सर्वर पे देखेंगे और उसको यूज़ कैसे करेंगे और फिर उस पर ऑपरेशन किस हिसाब से होगा वहाँ से हम देखेंगे। या यू कहें कि सर्वर पे अब हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे एजेक्ट को रिसीव करने के लिए। यहाँ से हम सेंड कर दिए, ठीक है, लेकिन हमें इसे रिसीव भी तो करना पड़ेगा, तो हम उसको रिसीव करने के लिए हमें फिर क्या क्या करना पड़ेगा सर्वर पे। होम कंट्रोलर जिसमें कि हमने इसको लिखा हुआ है, इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, दो दो चीज़ें जो इस पे कॉमन होती हैं याद रखने वाली, कि इसका जब भी रिजल्ट टाइप होगा ये एक्शन रिजल्ट नहीं होगा, हमेशा जेसन रिजल्ट होगा। ठीक है, आप अगर आप इसको जेसन फॉर्मेट में ले करके किसी वेरिएबल में आप स्टोर कराना चाहते हो तो आप इसका जेसन रिजल्ट ही रखो। ठीक है, और दूसरी सबसे कॉमन जो मिस्टेक करते हैं जो जो नए डेवलपर रहते हैं वो भी पुराने भी, या जो एजेक्स को बहुत कम यूज़ करते हैं, वो कॉमन ये करते हैं कि वहाँ से वेरिएबल तो पास कर देते हैं लेकिन यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ये इनका यहाँ पर फेल हो जाता है, वो यहाँ तक आएगा ही नहीं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये किसी भी टाइप का हो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं, और इस तरह से हम आर्गुमेंट पास करेंगे तो वहाँ से जो भी वेरिएबल है इसमें आ जाएगा। और एक और कॉमन चेंजेस करना पड़ता है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये यहाँ पर HTTP पोस्ट ना लगाएं। जब आप वहाँ पे गेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे HTTP गेट लगाएं, अगर आप ये इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो इसमें आएगा नहीं, बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आने के लिए यहाँ पे HTTP गेट लगाना पड़ेगा। और एक जो सबसे ख़ास एरर जो कि बड़ी मुश्किल से सॉल्व भी होता है और बहुत कम डेवलपर्स हैं चाहे स्टैक ओवरफ्लो पे या कहीं भी वो इसके बारे में बताते ही नहीं है, वो ये है इसका रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप जो जेसन है, हमें किस तरह से जेसन में उसको स्टोर करके किस तरह से जेसन को पास करना है वो सबसे मेन होता है। तो आप इसको डेटाबेस को सीधे जेसन में पास नहीं कर सकते, उसको पास करने के लिए आपको इसको पहले लिस्ट में बाइंड करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट में इनिशियलाइज़ किया गया, तो हम डेटा टेबल में डेटा लेके आने के बाद उसको लिस्ट में बाइंड करते हैं, फिर लिस्ट में बाइंड करने के बाद हम उसे जेसन के थ्रू पास कर देते हैं। तो अब ये जेसन फॉर्मेट में डेटा हमारे क्लाइंट सिस्टम को मिल जाएगा यहाँ पर, और फिर आगे हम इसे स्टोर करके हम इसे अब दिखा सकते हैं। तो ये रहा पूरा कि हमारे अगर सिस्टम में हमने एजेक्स अगर किसी अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है .NET MVC में, तो हम उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करें, किस तरह से यूज़ करें कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका एजेक्स चलेगा ही चलेगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट चले ना चले एजेक्स ज़रूर चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर कोई सवाल इससे जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करो, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। धन्यवाद।